नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल मिस्टर साइको सैम में। और आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं शक्ति का केपीटी, जो इसका मॉडल नंबर है कुलकर्णी पावर टूल्स का, उसका मैं 7 इंच का जो कट ऑफ सॉ है उसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले, जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको सबसे पहले इसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो आपको दिख जाएगा, किस तरह से आपको इसको असेंबल करना है, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सारा आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें मिल जाएगा। साइड में बेसिकली ये जो चीज़ है मैंने ली है ऑफलाइन में, मुझे जो ये है ये 4000 पड़ा है, जो सेलर था उनके पास ओल्ड स्टॉक रखा हुआ था तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कम में मिला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपके एलन की, ताकि आपको ब्लेड चेंज करने में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ये जो रिंग है ये एक्स्ट्रा, अगर कुछ ब्लेड में फंसने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए है। देन फिर आपको इसके साथ में मिलता है सेम कंपनी का ही, इसको बोलते हैं कार्बन, ये साइड में रखता है। तो चलिए अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो ये है हमारा कट ऑफ सॉ। क्योंकि मेरे पास एंगल ग्राइंडर है लेकिन मैं कुछ कुछ काम ऐसे करता रहता हूँ जिसकी वजह से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ये आप देख रहे हैं जब ये ऐसा यहाँ पर कट होगा तो खुलता, बाकी समय के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आपके ब्लेड को भी सेफ रखता है, प्लस अगर घर में बच्चे हैं तो उनके भी बहुत से थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये था, चलिए मैं आपको इसका एक ओवरव्यू करवा देता हूँ। जो यूज़ करते हैं पावर टूल्स वो जानते हैं, ये जो है अपने एंगल प्रोवाइड करने के लिए, ये आपका यहाँ से लूज हो जाता है। ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, थोड़ा सा टाइट है, इसको आप सिंपली उठाइए, पीछे खींचिए और फिर आप लॉक करके आप आराम से कर सकते हैं। वैसे इसमें बताने लायक ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ये वाला जो है ये बटन ये आपका ऑटो लॉक कर देता है इसको। चलिए अभी इसको थोड़ा ऑन करके देख लेते हैं और मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। कभी भी जैसे आपको यूज़ करना है तो इसको सबसे पहले आप देख लीजिए ये ब्लेड कहाँ पर आ रहा है, उसके हिसाब से फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर लिया इसको एडजस्ट, ये उठाया, यहाँ तक किया इसको लॉक और अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सिक्योर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं रॉड के जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको काटने में इसको मुश्किल से 5 सेकेंड लगे हैं, तो इसलिए लोग जो है वो पावर टूल को यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि काम जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और अगर आप एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो ये काफ़ी प्रिसाइज है, ये देखिए अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये काफ़ी प्रिसाइज है, आपको और अलग से कुछ करना नहीं है। और स्टे कनेक्टेड, ये तो था आपका अनबॉक्सिंग प्लस एक छोटा सा वर्किंग।
कि आप किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट। और इसके बाद मैं जो है आपको जो हमारे क्लैम्प्स होते हैं, सी क्लैम्प और जी क्लैम्प, वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड डोंट सब्सक्राइब टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।